नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ते यह है थोड़े सामने PSPCIL यानी पंजाब बिजली बोर्ड वालों आया जॉब रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड दोस्तों, जो इस पोस्ट विचों कोई भी पोस्ट तुसी अप्लाई करना चाहते हो, उसका सिलेबस और बेस्ट बुक की जानकारी लेना चाहते हो, तो यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है। इस पर मैंने फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी तुसी ले सकते हो। तो चलो सब तो पहले इस नोटिफिकेशन रीड कर लेने, इतने आप चैक कर सकते हैं स्टार्टिंग डेट टू रिसीव एप्लीकेशन ऑनलाइन। 31 तरीक तो ऑनलाइन यह फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्लोजिंग कदों है 20/6/2021 तक यह ऑनलाइन तुसी अप्लाई कर सकते हो। मतलब 31 तरीक तो तुसी इसनों अप्लाई कर सकते हो, तो 20/6/2021 तक लास्ट डेट है इसकी। इस टेबल में दोस्तों कैटेगरी के हिसाब नाल पोस्टों की वंड की हुई है। सब तो पहले आप देख सकते हैं इतने आर ए की पोस्ट है, रेवन्यू अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो इस तो बाद कलर्क की पोस्ट है। तो इस कॉलम में आप चैक कर सकते हैं यह फीमेल्स वास्ते ने एंड यह सारी पोस्टा जी मेल्स वास्ते ने। तो इधर भी यह सेम पोस्टा ने, क्लर्क दिया यह मेल्स वास्ते ने, तो इधर यह फीमेल्स वास्ते ने। यह थोड़ा जहा थोड़ा समझा देना, बाकी इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उत्थे जाके खुद रीड करके अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को जरूर फिल कर दो। तो सब तो पहले जनरल वास्ते पोस्टा की गल करिए, जी आर ए की पोस्ट है तो मेल्स वास्ते 12 पोस्टा ने इतने इन्होंने मैनशन की हुई है, तो फीमेल वास्ते 3 पोस्टा ने। एंड क्लर्क की पोस्टों की गल करिए, मेल वास्ते जी जनरल कैटेगरी के मेल ने उन्होंने वास्ते 214 पोस्टा ने, फीमेल जनरल कैटेगरी बिलोंग करते जो उन्होंने वास्ते 60 पोस्टा ने। हुण एससी कैटेगरी की आप चैक करिए, टोटल जी आर ए की पोस्ट है वह 2 पोस्टा ने, फीमेल जी एससी कैटेगरी बिलोंग करते हैं उन्होंने 1 पोस्टा ने, मेल जी एससी कैटेगरी बिलोंग करते हैं उन्होंने 55 पोस्टा ने। जी फीमेल क्लर्क के वास्ते अप्लाई करना चाहते हैं, एस सी कैटेगरी के नाल बिलोंग करती है वह उन्होंने 21 पोस्ट। उम्मीद है तुम्हें यह पूरा चार्ट समझ से आ गया होगा, जो नहीं आया तो इंस्टाग्राम से फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। एंड टेबल बी की गल करिए दोस्तों, इस बीच जे ई इलैक्ट्रीकल पोस्टा ने, ए एल एम दी ने, असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट ने, तो ए एस एस ए की पोस्टा ने, मीनस सब स्टेशन असिस्टेंट पोस्टा ने। इतने भी उसी तरह तुम जनरल कैटेगरी एससी कैटेगरी के हिसाब से पोस्टों की वंड देख सकते हो। जी जेई की पोस्टा ने जनरल कैटेगरी वास्ते 30 पोस्टा ने, ई डबल्यू एस वास्ते जी 7 पोस्टा ने, तो एस सी वास्ते टोटल यह 7 पोस्टा ने। बाकी पूरी चार्ट विच तुसी देख सकते हो। जी असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट ने वो जनरल वास्ते 663 पोस्टा ने, जोड़े जनरल ई डबल्यू एस कैंडीडेट उन्होंने वास्ते 70 पोस्टा ने, जोड़े एस सी एस टी कैटेगरी बिलोंग करते हैं उन्होंने वास्ते 171 पोस्टा ने। बाकी पूरी डिटेल इन्होंने पूरी कैटेगरी के हिसाब से चंगी तरह इतने वंड की हुई है, बाकी चैक कर लो तुम एक बार इसको। नीचे इन्होंने क्वालिफिकेशन का वेरवा दिता हुआ, मतलब कि कड़ी एलिजिबिलिटी के कैंडीडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सब तो पहला आर ए ते क्लर्क की पोस्टों की गल करिए, टोटल पोस्टा जी 18 ने, तो इसमें कौन बीकॉम रैगूलर बीकॉम करता, तो मिनीम पास वो 60% होनी चाहिए है, तो यह कैंडीडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस तो बाद क्लर्क की पोस्ट की गल करिए, टोटल पोस्टा की गल करिए 559 पोस्टा क्लर्क की, तो ग्रैजुएशन पास किसी भी स्ट्रीम में बी ए की है, बी एस सी की है, बीकॉम की है, तो इस पोस्ट में जस्ट पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। प्लस एक 120 घंटे का एक कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होंगे कंप्यूटर कोर्स का, वह अपने को होना चाहिए। जो क्लर्क वास्ते आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट में उदो आप इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम क्लीयर हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन वास्ते जो बुलाया जाता है उस टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लर्क का एग्जाम आप क्लीयर कर लेने, उस तो बाद अपने को एक टैसट लिता जाएगा, इतने उन्होंने मैनशन किया हुआ। इस टैसट में इंग्लिश और पंजाबी मीडियम अपने तो जी टाइपिंग करवाई जाएगी, जिस स्पीच भी क्वालीफाई होना लाजमी है। होर इंपोर्टेंट चीज़ आपको 10वीं क्लास में पंजाबी सब्जैक्ट नाल पास होना लाजमी है, मतलब 10वीं क्लास में अपने को पंजाबी सब्जैक्ट होना जरूरी है। हुण जेई इलैक्ट्रीकल की पोस्टों की गल करिए, टोटल पोस्टों की गल करिए 75 इतने इन्होंने मैनशन की हुई है, तो फुल टाइम रैगूलर 3 या 4 साल का डिप्लोमा इन इलैक्ट्रीकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपको किता होना चाहिए, तो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस तो अलावा जेई की पोस्ट वास्ते जो तुम बी ई की है, बी टैक की है, बी एस सी की है इंजीनियरिंग, भी इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। इस तो बाद असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्टों की गल करिए, टोटल पोस्टों की गल करिए 1700 पोस्टा ने, तो जिन्हें कैंडीडेट ने 10वीं क्लास तो बाद आई टी आई डिप्लोमा इन इलैक्ट्रीकल या इंजीनियरिंग किया है, तो वह इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सब स्टेशन अटेंडेंट की गल करिए, टोटल पोस्टों की गल करिए 290 पोस्टा ने। इन्होंने आई टी आई इलैक्ट्रीकल या इलैक्ट्रीशियन वायरमैन मिनीम 60% पास कैंडीडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जब तुम रैगूलर डिप्लोमा इन इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग किया 60% पास हो, तो भी इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों एज लिमिट की गल करिए 18 तो 37 साल, इतने आप चेक कर सकते हैं 18 तो 37 साल का कैंडीडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, पर एससी एसटी कैंडीडेट को एक्स्ट्रा 5 साल की छूट दी जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसैस की गल करिए, सब तो पहला सीवीटी होगा, तो आर एन ए की पोस्ट, आर ए की पोस्ट वास्ते जिहड़े इन्हां ने इत्थे सिलेबस मैनशन किया होया कि डिग्री लैवल फाइनैंस एंड अकाउंट रिलेटड क्वेश्चन सब तो पहला आउणगे, तो 70 नंबर के क्वेश्चन उन्होंने तो पूछे जाएंगे। इस तो अलावा जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमैटिक ते जनरल इंग्लिश रिलेटेड भी 10-10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लर्क के सिलेबस भी इतने इन्होंने मैनशन किया हुआ, स्टेटिक करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इन्होंने पूछे जाएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमैटिक के क्वेश्चन 25 आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की गल करिए 25 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इस तो अलावा जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन भी 20 नंबर ऑफ द क्वेश्चन इस विच देखने को मिल सकता। क्लर्क का एग्जाम टोटल 100 नंबर का आएगा दोस्तों। बाकी तुम क्लर्क की पोस्ट की फिक्र ना करो, जो तुम चंगी तरह तैयारी करना चाहते हो तो साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर लो, क्योंकि हम मैं रेगूलरली ही क्लर्क के एग्जाम लिए जी भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स ने उन्होंने रिलेटेड क्लासेस अपने चैनल पर तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे। इस तो अलावा नीचे तुम जेई का सिलेबस चैक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो तो रीड कर लो। दोस्तों हम इस सिलेबस को कवर करने लिए बेस्ट बुक कि उसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है, उसे जाके तुम चैक करो तो ऑनलाइन एमाजॉन तो उसमें ऑर्डर कर लो। एमाजॉन तो क्यों ऑर्डर करनी है दोस्तों, यह लेटेस्ट एडिशन बुक है मार्केट में ना मिले, एक ही लॉकडाउन करके शायद बुक डिपू छेती बंद हो जाते हैं, इस करके तो स्टडी में डिले ना हो, करके एमाजॉन से ही ऑर्डर करो। एंड एमाजॉन पर वैसे भी तुम्हें मार्केट नालों घट प्राइस से यह बुक मिल जाएगी, विद इन 3 डेज़ तुहाडे घर यह डिलीवर कर दी जाएगी, तो कैश ऑन डिलीवरी से तुम यह प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। मीन जदों यह बुक तुहाडे घर आएगी तुम पेमेंट करनी है, बुक लै लेनी है, तो अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ओके दोस्तों, जो कोई होर इनफॉर्मेशन या सवाल थोड़े मन में है तो यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे गल कर सकते हो। एंड जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर लो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है।